लखनऊ में फ्लाई ओवर से गिरी बोलेरो, 3 की मौत। अयोध्या से शादी समारोह से लौट रहे थे, रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गिरी। लखनऊ में भीषण हादसा हो गया है, यहाँ बेकाबू बोलेरो रेलिंग तोड़ते हुए पॉलीटेक्निक फ्लाई ओवर से 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 3 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी बोलेरो सवार अयोध्या से शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना देर रात 1 बजे हुआ। डीसीपी नॉर्थ कासिम आब्दी ने बताया कि शनिवार देर रात बोलेरो से 4 लोग अयोध्या हाईवे से लखनऊ के मुंशी पुलिया की तरफ फ्लाई ओवर से होकर जा रहे थे। इसी दौरान बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाई ओवर से नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से बोलेरो से 3 युवकों को बाहर निकाला। वहीं चौथे युवक को निकलने के लिए गैस कटर से दरवाजा काटकर 30 मिनट तक रेस्क्यू चला, जिसके बाद सभी को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीसीपी ने बताया कि जहां एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 युवकों की हालत गंभीर होता देख डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है, जहां 2 अन्य युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रांशु शुक्ला, अमित कुमार और राजकुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान हर्ष शुक्ला के रूप में हुई। सभी लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसे ड्राइवर से कंट्रोल ना होने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। हर्ष का इलाज जारी। उन्होंने बताया कि घायल और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है। ओलंपिया जिम के ट्रेनर अमित के नाम पर है। हादसे के वक्त वह भी गाड़ी में था। हादसे के चलते कुछ देर के लिए वाहनों को फ्लाई ओवर से जाने नहीं दिया गया।